हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तो चलिए आज हम कराने जा रहे हैं आपकी अपनी पुस्तक तरंग बाई अमित पब्लिशिंग हाउस से कौन सा पाठ, पाठ 6, जिसका शीर्षक है धर्म का प्रतीक विजयदशमी। हमारे पाठ का नाम यह है ठीक। त्योहारों पर बच्चों आप क्या क्या करते हैं? आपने देखा, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे त्योहारों के चित्र बने हुए हैं। होली, रक्षाबंधन, दीपावली, आपको पता ही है कि हम लोग क्या क्या करते हैं। होली पे हम रंग बिरंगे रंग लेते हैं, पिचकारी पे भी गुलाल और सबको लगाते हैं और खूब मजे करते हैं और बहुत बहुत अच्छे सारे मिष्ठान भी खाते हैं। ऐसे ही रक्षाबंधन पे बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है, भाई उसको उपहार स्वरूप कुछ देता है और वचन देता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। और इसी तरह दीपावली पे घर को खूब सजाते हैं, दिए जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं और अपने घर और लक्ष्मी पूजन भी करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग जो है वो विभिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं। ऐसे ही एक त्योहार है विजयदशमी। विजयदशमी का यह पर्व अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। इस दिन मृत्यु पर विजय पाने वाले रावण का अंत कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अधर्म पर धर्म को विजय दिलाई। अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। आज सुबह से ही प्रिया और प्रवीण दोनों ही बहुत खुश थे और वो भी क्यों ना, आज विजयदशमी थी। 6 साल की प्रिया ने भैया से पूछा, भैया विजयदशमी के दिन क्या होता है और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? भैया जो प्रिया से 2 साल बड़ा था उसने ज्ञान बघारते हुए कहा, इस दिन पुतले जलाए जाते हैं। ओहो भैया सही से बताओ ना, प्रिया ने अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कहा। तभी पिताजी जो सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और समझाया कि विजयदशमी अथवा दशहरे वाले दिन दशहरा पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन श्री राम ने राक्षस के राजा रावण का वध किया था। आज हम सब दशहरा मेला देखने जाएंगे। प्रिया और प्रवीण मेले का नाम सुनते ही उछल पड़े। शाम होते ही दोनों नए कपड़े पहनकर मेले में जाने के लिए तैयार हो गए। प्रिया ने पिताजी से कहा, पिताजी हम तैयार हैं, चलिए मेले में चलते हैं। सभी मेले के लिए निकल पड़े। मेले की रौनक देखते ही सब बड़े खुश थे। जगह जगह मिठाई, चाट पकौड़ी, खिलौने आदि की दुकानें सजी थी। कहीं तीर कमान, तलवार व हनुमान जी की गदा बेचने वाले थे। बहुत से लोग क्या कर रहे थे, बहुत से लोग झूला झूल रहे थे। इस बड़े से मैदान में 3 बड़े बड़े पुतले थे, वो तीनों पुतलों की ओर चल दिए। तभी पीछे से आवाज आई, नमस्ते अंकल। पिताजी ने मुड़कर देखा कि सोनू, मोनू और राहुल खड़े थे। पिताजी बोले, नमस्ते बच्चों, आओ मेला देखें। सभी पुतलों के पास गए। प्रिया बोली, देखो 10 सिर वाला पुतला। प्रवीण ने तपाक से जवाब दिया, यही तो रावण है, उसके बाईं ओर मेघनाथ का पुतला है। मैंने सही कहा ना अंकल, राहुल बोला। पिताजी ने कहा, हाँ और दाईं ओर कुंभकर्ण का है। कुंभकर्ण कौन था? कुंभकर्ण रावण का भाई था और मेघनाथ रावण का छोटा पुत्र था। तभी श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ तीर कमान लिए अपनी सेना के साथ मैदान में आए। कौन मैदान में आए? श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण। श्री राम ने अपनी तब कमान से तीनों पुतलों पर जलते हुए तीर छोड़े और तीर लगते ही पुतलों में आग लग गई। पुतलों में आग लगते ही पटाखे फटे और रंग बिरंगी आतिशबाजी चली। आप देखते हैं ना, जैसे तीर चलाते हैं तो आसमान में बहुत सुंदर आतिशबाजी चलने लगती है। सभी को बहुत आनंद आया। सोनू, मोनू, प्रिया और प्रवीण खुशी से तालियां बजाने लगे। पिताजी ने सभी को चाट व रसमलाई तथा तीर कमान व गुब्बारे भी दिलवाए। प्रिया ने नाचने वाली गुड़िया खरीदी। प्रवीण ने हनुमान जी की गदा खरीदी। सोनू ने चाबी से चलने वाली कार। मोनू और राहुल ने तीर कमान व गुब्बारे खरीदे। पिताजी ने
घर के लिए मिठाई भी खरीदी। सभी अपने खिलौनों को हाथ में लिए और चहकते हुए घर वापस लौट आए। चहकते हुए मतलब बहुत ही खुशी से घर लौट। अच्छी थी ना, कहा है ना, बहुत अच्छा पाठ था। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्द, विजयदशमी, मेघनाथ, कुंभकर्ण, नमस्ते, दशहरा, अखबार, आतिशबाजी एवं लक्ष्मण। और अब है शब्दार्थ, खुश का अर्थ है प्रसन्न, बाई का अर्थ है उल्टे हाथ की ओर, रौनक मतलब साथ सजावट, ज्ञान का अर्थ है जानकारी, पर्व का अर्थ है त्योहार, और दाई का अर्थ है यानी कि सीधा हाथ। और अब हमसे क्या पूछा गया है हम देखते हैं। बच्चे किस मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं? बच्चे विजयदशमी या दशहरा बोल सकते हैं, वहां के मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। रावण का पुतला किसके बीच में लगा हुआ था? रावण का पुतला मेघनाथ और कुंभकर्ण के बीच में लगा हुआ था। मेले में कितने पुतले थे बच्चों? मेले में कितने पुतले थे बताइए? मेले में तीन पुतले थे, कुंभकर्ण, रावण एवं मेघनाथ। ठीक, अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था, दस सिर वाला पुतला किसका था? दस सिर वाला पुतला किसका था? वो था रावण का। दस सिर वाला पुतला रावण का था। और अब है सही विकल्प पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। हमसे सबसे पहले क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा है रावण का पुतला लगा था। रावण का पुतला कहाँ लगा था? बाईं ओर, दाईं ओर, बीच में या ऊपर की ओर? रावण का पुतला बीच में था, हमने चिन्ह लगा दिया। प्रवीण ने क्या खरीदा? हनुमान की गदा, तीर, गुब्बारे या मिठाई? प्रवीण ने खरीदा हनुमान की गदा। मेला कहाँ लगा था? कमरे में, मैदान में, सड़क पर या बगीचे में? मेला बच्चों बहुत बड़े मैदान में, और मैदान में ही लगता है क्योंकि बड़े बड़े पुतले लगते हैं, तो इसलिए मेला हमेशा मैदान में ही लगता, और यहाँ पे भी मेला मैदान में था। पुतलों में आग लगते ही क्या हुआ? पुतलों में आग लगते ही पटाखे चले, आतिशबाजी चली, दोनों व धमाका हुआ। पुतलों में आग लगते ही दोनों यानी कि पटाखे भी चले और आतिशबाजी भी चली थी, रंग बिरंगी आतिशबाजी हुई थी ना आसमान में, तो ये हुआ था। रिक्त स्थानों की पूर्ति, इस दिन श्री राम ने रावण का क्या किया था? इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण के पुतले के सिर थे, कितने सिर थे? रावण के पुतले के 10 सिर थे, इसीलिए रावण को दशानंद भी बोलते हैं क्योंकि उनके 10 सिर थे। मेघनाथ रावण का क्या था? मेघनाथ रावण का पुत्र था। सभी बच्चे बहुत थे, सभी बच्चे क्या थे? बहुत खुश थे। और अब क्या है, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। श्री राम और लक्ष्मण की सेना मैदान में आई, जी हाँ बिल्कुल सही। कुंभकर्ण और मेघनाथ दोनों भाई थे, जी नहीं, कुंभकर्ण जो था वो रावण का भाई था, लेकिन मेघनाथ जो थे वो रावण के पुत्र थे, तो ये गलत है। श्री राम ने पुतलों पर जलते हुए तीर छोड़े, जी हाँ श्री राम ने पुतलों पर जलते हुए तीर छोड़े थे। बाई ओर मेघनाथ का पुतला था, बिल्कुल सही, बाई ओर मेघनाथ का पुतला था। तो अभी हमने क्या किया, हमने सही और गलत के आगे हमने चिन्ह लगाए। और अब हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, मेघनाथ कौन था? मेघनाथ रावण का छोटा पुत्र था। पिताजी ने विजयदशमी के बारे में दोनों बच्चों को क्या बताया? पिताजी ने बताया कि आज के दिन श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया था। रावण के पुतले के कितने सिर थे? रावण के पुतले के 10 सिर थे। कुंभकर्ण कौन था? कुंभकर्ण रावण का भाई था। तीनों पुतलों पर जलते हुए तीर किसने छोड़े? तीनों पुतलों पर जलते हुए तीर श्री राम ने छोड़े थे। यह पाठ यहीं समाप्त हुआ, बहुत जल्दी आपके समक्ष आते हैं, तब तक के लिए आभार।